दोस्तों मेरे चैनल मनोज नोगिया क्रिकेट फैन में आपका स्वागत है। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 4 रनों से हराया और सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। जानना चाहते हैं पूरा अपडेट तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दूसरे T20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दीपक हुड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 57 गेंदों में 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रनों की धमाकेदार पारी खेली। संजू सैमसन ने भी अपने T20 करियर का पहला अर्धशतक जड़ा और मात्र 42 गेंदों में 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 176 रनों की धमाकेदार साझेदारी हुई। भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 225 रन बनाए, जबकि जोशुआ लिटिल और क्रेग जंग ने 2-2 विकेट लिए। 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी। आयरलैंड की पॉल स्ट्रिंग और कप्तान एंड्रू बलवली ने तूफानी शुरुआत दी और 5.30 ओवर में 72 रन जोड़े। स्टर्लिंग ने 18 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 40 रन बनाए, जबकि एंड्रू बर्बली ने 37 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 60 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार, हर्षद पटेल, उमरान मलिक और रवि बिश्नोई ने एक एक विकेट चटकाए और भारत ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।